देश में शादी के माहौल चल रहा है। ये शादी के माहौल में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है कि एक आईएएस बिटिया के द्वारा अपने पिता का कन्यादान करे से रोक दी गया। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की, जहां प्रोजेक्ट बताई थी कि शादी के सीजन चल रहा है। ये बीच एक खबर आ रही है कि एक महिला आईएएस अफसर और आईएफएस अधिकारी के शादी की चर्चा जो है चर्चा के विषय बन गया है। दरअसल जो है मामला यह है कि मिली जानकारी के तहत आईएएस तपस्या परिहार के द्वारा यूपीएससी के परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल किए गए। हाल में उनके द्वारा आईएफएस अधिकारी गर्वित गंगवार से शादी किए गए। मामला यह है कि तपस्या के द्वारा कन्या दान करावे से इनकार कर दिया गया। जी हाँ, हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति के खिलाफ जाके तपस्या के द्वारा अपने पिता से कहागा कि मैं दान की चीज नहीं हूं, आपकी बेटी हूं, इसलिए आप मेरा कन्यादान नहीं करेंगे। अपना प्रोजेक्ट बता दी कि यह शादी पर चर्चा के विषय एहू से बन गया, कहे कि सब घर वाले और ससुराल वाले के सहमति से यह शादी भई। दरअसल जो है हिंदू मान्यता के अनुसार कन्यादान नाम के एक रिवाज है, जेका सभी हिंदू धर्म में शादी करे वाले लोग माना थे। यह रस्म के मुताबिक पिता अपने बेटी का बरपक्ष का सौंप देते हैं, लेकिन तपस्या ये रिवाज पर सोच जो है थोड़ा अलग है। उनका बचपन से मानव है कि कैसा को उनका कन्यादान कैसा कथ है वह उनके बगैर इच्छा के, और यह बात उनके द्वारा अपने परिवार वाले से कहा गया। उनका कहा रहा कि उनका अपने परिवार वाले का समझावे में समय लाग, लेकिन परिवारों मान गया, बर पक्ष ये बात की थी राजी हो गया कि बगैर कन्यादान के शादी की जाए इसका थी। तो वही दूसरी तरफ तपस्या के पति आईएफएस गर्वित के कहा है कि क्यों किसी लड़की को शादी के बाद पूरी तरह से बदलना चाहिए, चाहे मांग भरने की बात हो या ऐसी कोई परंपरा जो ये सिद्ध करे कि लड़की शादीशुदा है। ऐसा रस्म लड़का खातिर काहे लागू नहीं होती। यह तरह के मान्यता का हम पते धीरे धीरे दूर करे की कोशिश करे चाहिए, और इतना होए के बाद शादी का संपन्न किएगा जैसे कन्यादान के रिवाज का नहीं अपना बागा। तो सीधे तौर पर समझी कि आज जो है कहन कहो ये रीति रिवाज के नाम पर जो ढोंग ढकोसला होते है वो मैं देखी दो तर्क है। एक तर्क यह रहा था को सनातन धर्म कौनो संस्कृत के बात कही की उबातन का लेके चलत है, और कौनो वो का ढोंग मानत है को यह मानत है कि यह व्यवस्था में एक आवश्यकता नहीं है। तो सबके अपन अपन तर्क है, क्यों व्यवस्था के तर्क दई के बात करत है, क्यों धर्म के तर्क दई के बात करत है। तो निश्चित तौर पर यह देश के यह विविधता में एकता की बात होती, और यही थे विविधता पता चला थी कि तरह तरह के लोगों यह देश में रहा थे जिनका सोच अब अलग है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, और यह खबर में सबसे बड़ी बात की अपन राय अवश्य दे। धन्यवाद, प्रणाम।